हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आज हम पुआ बनाएंगे, जो उत्तर भारत की विशेष रेसिपी है। इसे होली के अवसर पर या किसी भी ओकेजन पर जरूर बनाया जाता है। इसे हम आज बिहारी तरीके से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पुआ बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैंने एक ही साइज़ की कटोरी से सभी चीज़ों का मेजरमेंट किया है। आप गिलास, कप या कोई भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी मैदा लिया है, एक छोटी कटोरी बारीक वाली सूजी लिया है, एक छोटी कटोरी चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और एक गिलास के करीब दूध है। अब हम एक बोल लेंगे, जिसमें मैदा लेंगे, सूजी लेंगे, चीनी लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर बैटर रेडी करेंगे। एक बार में हमें पूरा दूध बिल्कुल ही नहीं डालना है, वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। यहाँ मैंने गुनगुना दूध लिया है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे आप ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे या पूरी रात के लिए इसे छोड़ देंगे। 8 घंटे हो गए हैं, बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे अपने हाथों से 2 से 3 मिनट तक फेंटेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में 5 से 7 मिनट और फेंटेंगे। इस तरीके से फेंटने से पुआ फूला फूला बनता है। मैंने 10 मिनट तक इसे लगातार फेंटा है। आप देख सकते हैं बैटर फ्लफी सा दिखने लगा है। अब आप इस स्टेप को ध्यान से देखें। बैटर गिराने पर ये धार में गिर रहा है और वापस से बैटर में मिल जा रहा है। हमारा बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए पुआ के लिए। मैंने एक गिलास के करीब दूध लिया था, जिसमें 2 बड़े चम्मच के करीब दूध बच भी गया है। अगर आपका बैटर पतला होगा तो तेल में पुआ फैल जाएगा। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो पुआ के बीच में लम्स रह सकता है। अगर बैटर पतला हो गया हो तो उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट पुआ चाहिए तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसे आपको करीब से दिखा देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पुआ बनाने के लिए हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, जिसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब किशमिश है, 1 बड़ा चम्मच सूखा नारियल है, जिसे हम गरी भी बोलते हैं, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 छोटा चम्मच के करीब सौंफ है। नारियल और सौंफ आप इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे पुआ का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिफाइन ऑयल लिया है, जिसे मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे। आप देख सकते हैं बैटर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, यानी ऑयल अच्छे से गर्म है। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। अब हम 1 कलछी बैटर लेंगे और बीच में बैटर डालेंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कलछी सेट कर लें। आप देख सकते हैं पुआ फूलने लगा है। अब हम पुआ के ऊपर ऑयल डालते रहेंगे और इसे उलट पुलट कर दबाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके 1 लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही हौसला मिलता है। ऐसे ही हम बाकी के पुए भी फ्राई कर लेंगे।
पुआ बहुत ही टेस्टी, जालीदार और परफेक्ट बना है। आप इसे कटहल की सब्जी और छोले के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे 2 से 3 दिन तक बनाकर स्टोर किया जा सकता है। आप मेरे बताए गए रेसिपी को ध्यान में रखकर इस होली पर आप इसे जरूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपका पुआ कैसा बना था। थैंक यू।